subscribe my channel and press the bell icon. मई के महीने में बढ़ेंगे भारत में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा मामले, तो क्या 3 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। हाय गाइस, मैं हूं निभा और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में रखा और अब भारत में भी इसके मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में सूत्रों के हवाले से आई खबर में यह बात निकलकर सामने आई है कि मई के महीने में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होगा। दोस्तों, गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो सरकार की आंतरिक आकलन है कि भारत में कोरोना के मामले मई के पहले हफ्ते में अपने चरम पर होंगे। इसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगेगी। जिन राज्यों ने सबसे पहले लॉकडाउन शुरू किया था उसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या व अन्य मुश्किलें कम होंगी। दोस्तों, राजस्थान, पंजाब और बिहार सरकार ने कोरोना के मामले को देखते हुए पहले ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में इन राज्यों में कोरोना के मामले कम सामने आए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की लोगों की जांच ज्यादा होगी वैसे ही कोरोना के मामले सामने आएंगे। मई के महीने में सबसे ज्यादा जांच किया जाएगा, इसी के कारण अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोरोना के मामले मई में ज्यादा देखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस आशंका को देखते हुए आपको क्या लगता है, 3 मई के बाद भी भारत में लॉकडाउन जारी रहेगा या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल के साथ बने रहें।